अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ओपीटीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। तूफान में पड़ रहा है केटी बंदर से 300 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद एनटीएमए के मुताबिक तूफान कल शुमाल मशरिक की जानिब रुख करते हुए केटी बंदर और भारतीय गुजरात से गुजरेगा। कराची में आज हल्की और दरमियानी बारिश का इम्कान। जुमेरात और जुमे को तेज बारिश की पेशगोई। किमाड़ी, कोरंगी, मलीर और मगरबी वस्ती इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध के साहली इलाकों में भी सैलाब की वार्निंग। साहली इलाकों में मवासलाती निजाम में तातुल का खदशा। मुल्क इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहा है उसमें सब्र, बहादुरी और तहम्मुल से काम लेना होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पंजाब इलेक्शन और रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा नजरसानी के आईनी तकाजे हैं मगर इसे अपील में नहीं बदला जा सकता। अगर नजरसानी में अपील का हक देना है तो आईनी तरमीम दरकार होगी। नजरसानी केस में सिर्फ नकायस का जायजा लिया जाता है, नए शवाहिद भी पेश नहीं हो सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा अब तो एक्ट के आने से पहले के फैसलों पर भी नजरसानी कानून लागू होगा। अजफुल नोटिस के तमाम मुकदमात पर एक्ट लागू हुआ तो सब केस दोबारा खुल जाएंगे। समुद्री तूफान विपर जॉय के असरात नुमाया। कराची में साहिल पर समंदर में तुफानी लहरें कई फीट बुलंद। कराची के असला की माड़ी, जनूबी कराची, कोरंगी समेत ठट्ठा, सजावल, बदीन में सैलाब का शदीद खतरा। कराची के कई इलाकों में गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश। बदीन, केटी बंदर, सजावल और थरपारकर में भी तूफानी हवाओं के साथ बारिश। ठट्ठा में तूफानी हवाओं से छतें उड़ गईं। समंदर में तुगयानी से पानी मुख्तलिफ देहात में दाखिल। जोहो शहर को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। मीरपुर खास में बारिश की वजह से बिजली का निजाम दरहम बरहम। बदीन के साहली इलाकों में पानी माहिगीरों की बस्ती के करीब पहुंच गया। सजावल से भी नकल मकानें शुरू हो गई। समंदरी तूफान के बायस कराची मलीर से लोगों का इनखला किया जाएगा। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली शरी रहमान का कहना है कि जहाँ जहाँ तूफान के ज्यादा असरात का खदशा है वो इलाके खाली कराएंगे। कराची में तूफान के असरात सामने आएंगे, तेज हवाएं चलेंगी और बारिशें होंगी। कराची में लैंडफॉल नहीं होगा मगर असरात होंगे। समंदरी तूफान कल केटी बंदर से टकराएगा। तूफान की मौजूदा रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े। कहा जाली कागज लहरा कर कहा गया साइफर आया। हकायक ने प्रोपेगेंडा जमी बोस कर दिया। आज रूस से तेल और गंदुम आ रही है। रूसी तेल आलमी मार्केट से फी बैरल $15 सस्ता है। लोगों की झूठी जहन साजी की जा रही थी। वतन से मोहब्बत करने वाला शहरी 9 मई जैसे वाकयात का सोच भी नहीं सकता। चेयरमैन पीटीआई ने पाकिस्तान के वकार को खाक में मिलाने की कोशिश की। इनकी तकारीर और सोशल मीडिया पोस्टों में 9 मई के वाकयात से मुतालिक काफी सबूत मौजूद हैं। पीटीआई के गुंडों ने रियासती और फौजी तंसीबात पर हमले किए। चेयरमैन पीटीआई ने 4 साल पूरी अपोजिशन को दीवार से लगाया। आज तोशाखाना में इनके खिलाफ सबूत मिले तो कहते हैं हमें दीवार से लगाया जा रहा है। समुद्री तूफान बेपरजॉय के पेश नजर पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। फौज के जवान तहसील खारोचन में फंसे अफराद को निकालने में कामयाब। फौज 7,500 के करीब अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुकी है। 82% से ज्यादा आबादी को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। मुंतकली का अमल आज रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अगले 72 घंटों तक रेंजर्स और फौजी दस्तों को अलर्ट रहने का हुक्म। म्यूजिक विरसा ग्रुप को बने हुए 3 साल हो गए। इस ग्रुप में पूरी दुनिया से लेजेंड गायक और कव्वाल, सुपरस्टार आर्टिस्ट, नातवा, अलमी, अदबी और रूहानी शख्सियात शामिल हैं। म्यूजिक वर्सा ग्रुप हर लिहाज से दुनिया का नंबर 1 ग्रुप है। इस ग्रुप में बहुत कुछ अच्छा सुनने और सीखने को मिलता है। हर किसी का अदब और एहतराम किया जाता है। म्यूजिक वर्सा के बानी डॉक्टर मुनीर चौधरी, सरपरस्त डॉक्टर सईद इरफान मखदूम, नैयर एडमिन साहबजादा, खाकान अली चिश्ती, फारूक अल हुसैनी, मोहम्मद मंसूर ईको, जाहिद हुसैन यूके, जाहिद अली जाहिद खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मंसूर ईको ने ओपीटीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि म्यूजिक विरसा में पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर के फनकार शामिल हैं। मैं हूं डॉक्टर मुनीर चौधरी, एडमिन म्यूजिक विरसा ग्रुप। मुझे बेहद खुशी है कि इस ग्रुप में इतनी बड़ी अच्छी शख्सियात और इस ग्रुप से बहुत कुछ हमें अच्छा सुनने को और सीखने को मिला है। और 3 साल हो गए म्यूजिक विरसा ग्रुप को बने हुए और जिस तरह म्यूजिक विरसा ग्रुप ने बैन अवी सतह पर पजीराई हासिल की है। मैं हूं सरफराज अहमद, म्यूजिक वर्षा ग्रुप की 3री सालगिरह पर को बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। लॉन्ग लिव म्यूजिक वर्षा ग्रुप। थैंक यू। मैं हूं खुर्शीद अनवर,
म्यूजिक विरसा ग्रुप को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिस इज साहिल लोधी, मैं मेरा नाम अखलाक बशीर है। तो तीसरी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो म्यूजिक विरसा ग्रुप के तमाम मेम्बरांस को। मेरा नाम शराफत अली शाह, म्यूजिक विरसा ग्रुप ये सिर्फ ना पाकिस्तान में है बल्कि सरहद पार और दुनिया के तमाम हिस्से में है। जहाँ जहाँ म्यूजिक सुनी जाती है वहाँ के लोग इसके मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आयत शेख ओवर हियर और मैं म्यूजिक वर्सा के तमाम मेंबर्स को मुबारक। एवरी मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इज रिस्पेक्टेड। रियली आई एम प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल ग्रुप। आपका शेरे म्यूजिक वर्सा हम मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं जावेद अख्तर गुलकार, पता नहीं आपकी जनरेशन मुझे पहचानती है नहीं। बहरहाल मेरा एक तारुफ है, तुझको कसम है मेरी नया नहाते खाली, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। तो विरसा ग्रुप जो कायम हुआ है माशाल्लाह आज की तीसरी सालगिरह है। बड़ी मेहनत की है विरसा ग्रुप के जितने मेम्बरान हैं, जितने अहदेदारान हैं, मैं उनको भरपूर मुबारकबाद पेश करता हूँ। लोक विरसा सोसाइटी की सालगिरह है, उसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद दूँ। गजलियात को बहुत जरूरी है ठीक से प्रमोट किया जाए, यंगस्टर्स को थोड़े वो उनसे दूर हो रहे हैं, उनको नज़दीक लाना है उसके, तो बहुत अच्छी बात है। और आपके मुंतजर हैं वो पाकिस्तान में भी। बहुत शुक्रिया, जल्दी आऊँगा जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख सिद्दीकी और मैं कहने आया हूँ कि म्यूजिक विरसा ग्रुप इसकी तीसरी सालगिरह है, तो मेरी जानिब से सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे टू यू जनाब म्यूजिक विरसा ग्रुप। और इसके जो एडमिन्स हैं जनाब डॉक्टर मुनीर चौधरी साहब, अपना फारुकुल हसैनी साहब और मंसूरी को साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपकी 3 साल हो गए और इसे ग्रुप को बने हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं अशरफ खान और आज से 3 साल पहले एक बहुत खूबसूरत ग्रुप तश्कील दिया गया जिसका नाम था म्यूज़िक विरसा। इतने सुलझे हुए लोग, इतने अच्छे लोग, ऐसी पर्सनैलिटीज़, पाकिस्तानी, पाकिस्तान से बाहर, इंटरनेशनल सिंगर्स, म्यूजिशंस, ड्रामा आर्टिस्ट, फिल्म स्टार, सभी तो हैं इसमें, किस चीज़ की कमी है। और ये जिन्होंने बनाया उसमें बहुत सारे नाम हैं, एक तवील फहरिस्त है, सभी का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हमारे एक देरीना साथी जो साल हर साल से हमारे साथ हैं और हमारा बहुत उनके साथ साथ रहा, अपनी फील्ड के यक्ता हैं, एक वो हैं, एक हमारे दूसरे साथी हैं, मैं दोनों का नाम आपकी खिदमत में पेश करता हूं। एक है मंसूर इको और एक है फारूक अहमद अल हुसैनी। मैं ख़ास तौर पर इनको 3 साल मुकम्मल होने पर, आज इसकी तीसरी सालगिरह है, मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम मेम्बर्स को और जितने भी लोग इस ग्रुप में हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रूफ लाला, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाला। मेरी तरफ से विरसा ग्रुप को 3री सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। विरसा ग्रुप के जो एडमिन हैं डॉक्टर मुनीर चौधरी और फारूक हुसैनी और हमारे प्यारे दोस्त मंसूर इको, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने विरसे को जगाया हुआ है और वो भी इस ग्रुप की शिकल में, जिसमें पाकिस्तान के, दुनिया भर के हर किस्म के बड़े लोग हैं, चाहे वो राइटर हो, कॉमेडियन हो, एक्टर हो, म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, वो तमाम ग्रुप के मेंबर हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुल्क में लूटमार का बाजार गर्म है, पूछने वाला कोई नहीं। मुल्क में हजारों अरब रुपए की टैक्स चोरी है, 60% से ज्यादा बजट सूद और कर्ज की अदायगी में जा रहा है। जब तक निजाम में मुस्बत तब्दीलियां नहीं लाते, सरप्लस बजट नहीं पेश कर सकते। अगर मुस्तकिल हल चाहते हैं तो नुकसान में जाने वाले इदारों को बंद करना होगा या निजकारी करनी होगी। IMF कर्ज देगा या नहीं, अब तक शकूक व शुबहात है। हमें बाहर के दुश्मन से नहीं, अंदरूनी हालात से खतरा है। लाहौर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत 21 जून तक मंजूर कर ली। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के लिए हिफाजती जमानत ली। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना कहसार में फ्रॉड समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोकने के हुक्म में कल तक तौसी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा, अगर दलाइल ज्यादा लंबे हुए तो फिर मैं हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदा पर गौर करूंगा।
फौजदारी कार्रवाई में इलेक्शन कमीशन ने शवाहिद के साथ अपना केस साबित करना है। सिविल कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन क्रिमिनल में तो सजा होनी होती है। मरियम नवाज के केस में भी हमने इस नुक्ते को तय किया था। सूबाई वजीर सेहत पंजाब ने कसूर के मुख्तलिफ मकामात का हंगामी दौरा किया। सूबाई वजीर सेहत पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकराम DHAQ कसूर समेत डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया। मरीजों और इसरान को दी जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया, जबकि अस्पताल को जदीद सहूलियात से मजिन करके लोगों को सेहत की जदीद सहूलियात फराहम करने का भी ऐलान किया। मजीद तफसीलात जानते हैं सलमान लुकमान से। कसूर की 37 लाख के करीब आबादी के लिए DHQ अस्पताल में सहूलियात के फुकदान पर सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी के हमरा एमरजेंसी कार्यालय को दीगर वार्ड का जायजा लिया। मरीजों की अयादत करने के साथ साथ अस्पताल का नाम तब्दील करने और इसे आलमी मियार की सहूलियात फराहम करते हुए टीचिंग अस्पताल बनाने के अजम का इजहार भी किया। हम DHQ कसूर के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त, और इसीलिए मैंने खुद ज़ाती तौर पे इसको सिलेक्ट किया कि इसको देखते हैं कि इसको टीचिंग का दर्जा कैसे दिया जाए। इस पर हमारी कोशिश यही होगी कि इसको एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया जाए। सूबाई वजीर सेहत पंजाब ने 1920 की तामीर करदा डिस्ट्रिक्ट जेल का मुआयना किया, जहां इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सूबाई वजीर सेहत पंजाब ने जेल में नौ उम्र असीरान बार जेल अस्पताल और दीगर मुकामात का दौरा करते हुए कहा कि बाकी बैरिक्स देखी, उनकी भी क्वालिटी बहुत जबरदस्त थी और वेरी वेल मेंटेन ब्यूटीफुल मॉस्क आल्सो। मेरा ख्याल है कि ये एक हमारे लिए फ्लैगशिप है जेल की, कि अल्लाह करे तमाम डिस्ट्रिक्ट जेल ऐसी हो जाए। सूबाई वजीर सेहत ने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का हुक्म भी दिया। केनिया और UAE से कानूनी तआवुन के मुआहदों के लिए अटॉर्नी जनरल की मोहलत देने की इस्तदा मंजूर। अरशद शरीफ केस में सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक बाहमी कानूनी तआवुन के मुआहदों के लिए मजीद वक्त लगेगा। रेटिंग एजेंसी मोडीज ने दावा किया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान के लिए अगर IMF का प्रोग्राम बहाल ना हुआ तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत कम रह गए। डिफॉल्ट से बचने के लिए IMF से मुआहदे की बहाली ज़रूरी है। ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान बैरूनी कर्जों की बरवक्त अदायगी करने के काबिल नहीं रहेगा। इंटरबैंक में डॉलर 97 पैसे सस्ता, कीमत 287 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। समुद्री तूफान पेपर जॉय का कराची से फासला बढ़ रहा है। कराची में सूरत हाल खतरनाक नहीं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में कल और परसों बारिश का तेज स्पेल मौजूद है। बदीन, ठट्टा, सजावल में बारिश का सिलसिला जारी है। तूफान जितना करीब आएगा तेज हवाएं चलेंगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकार अली खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्याल आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, TV बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done.
It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1-909-5762-982. سرمایه کارونه بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولای شي تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولای شي او غوره نتیجه حاصلولای شي د غیر ملکی طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هغه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونو او کورسونو وړاندې کوي د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته تاسو د AMEDFS سره په دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي پروګرامنګ پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي زموږ مقصد په نړۍ کې هر چا ته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال TV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی سیاسی تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide.
Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at cabafusion.com for more information.